दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय असेंट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर ब्रिज मंडी तहसील जोगिंदर नगर डिस्ट्रिक्ट मंडी। विश्व क्षय रोग दिवस पर जिला मंडी के जोनल अस्पताल से मंडी शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को कांग्रेस के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में नर्सिंग के प्रशिक्षुओं और आईटीआई के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान बताया गया कि वर्ष 2022 में जिला मंडी में कुल 2700 मरीजों का उपचार किया गया, जिनकी ठीक होने की दर 91% रही है, जो कि निर्धारित लक्ष्य 90% से अधिक है। वर्ष 2023 में अभी तक कुल 1327 मरीज साधारण क्षय रोग के तथा 41 दवा प्रतिरोधी क्षय रोग के रोगी उपचार ले रहे हैं। टीबी दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा प्रत्येक टीबी मरीज को जो है उनके उपचार के लिए 500 रुपये प्रति माह ये जा रहा है, ताकि वो अच्छी खुराक लें और टीबी से छुटकारा डालें। 1 अप्रैल 2018 से अब तक इस पर लगभग 3,72,00,000 और लगभग 90,000 रुपये जो है खर्च हो चुका है। निक्षय पोषण मरीजों को इसमें अच्छा खुराक मिले, अच्छी पोषण मिले, तभी उनका जो है उपचार कर सकते हैं। आमतौर टीबी जो है जो कुपोषित होते हैं और अच्छी जिनकी खुराक नहीं होती है, उनको टीबी जो है ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके लिए भी जो है जो टीबी के मरीज ठीक नहीं होते, जिनको दवाइयों का असर नहीं करते, जिनको कहते हैं एमडीआर पेशेंट, प्रतिरोधक पेशेंट, उनके लिए हर महीने 1500 रुपया इलाज के लिए सरकार की तरफ दिया जाता है, और जिसके तहत अब तक लगभग 19,52,000 रुपये जो है सरकार खर्च कर चुकी है। अच्छा, इस क्षय रोग की जांच के लिए कैसे इसकी जांच होगी, उसमें जो है 2 CBNET मशीनें मंडी जिला में उपलब्ध हुई है। एक तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज हेर चौक में और दूसरी जोनल हॉस्पिटल मंडी में ये मशीनें जो है स्थापित हो चुकी है। इसी तरह पूरे ज़िले में 6 TRUNET मशीनें लगाई गई है, जिसमें जोनल हॉस्पिटल मंडी, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नीर चौक और उसके अलावा नागरिक चिकित्सा करसोक, सिविल हॉस्पिटल करसोक, सिविल हॉस्पिटल धर्मपुर, सिविल हॉस्पिटल जोगिंदरनगर और जो है सिविल हॉस्पिटल जो है कुटौड़ा में स्थापित की गई है। इन मशीनों द्वारा रोग की जांच के साथ साथ मरीजों के लिए दवाई प्रतिरोधक क्षमता का भी पता लगाया जा सकता है। उन्होंने 2361 नए जो है मरीजों को जो है निकाला है कि ये टीबी से प्रभावित हुए हैं। इसमें ये लोग जो है बधाई के पात्र हैं। इस तरीके से जो है टीबी का चलाया जा रहा है और 2022 में 2700 मरीजों का उपचार करके जो है उनको ठीक कर दिया गया है और ठीक होने की दर जो है कानून प्रस्तुत रही है और 90% रही है। और मैं फिर बधाई देना चाहता हूँ जिला मंडी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनके सभी डॉक्टरों की टीम को, स्टाफ को, उनको जो है सिल्वर मेडल भी जो है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 41 प्रतिरोधक क्षय रोग के रोगी उपचार ले रहे हैं, 1327 मरीज साधारण रोग से ग्रसित है उपचार ले रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है ये जल्दी ठीक होंगे और पूरी तरह से हम टीबी पर नियंत्रण पा लेंगे। मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो उनको जरा कोई बुखार, थोड़ा बुखार हो, खांसी लगी हो, तो अपना जरूर थूक जो है टेस्ट करवाएं, ताकि विभाग को भी पता लगे कि क्या उनको टीबी
या क्षय रोग तो नहीं हुआ है ताकि उसका जल्दी निपटारा किया जा सके, उसको दवाई दी जाके ताकि हम जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त कर सके। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। जोगिंदर नगर का एकमात्र असेंट पब्लिक स्कूल जो बच्चों के भविष्य में निखार लाने के लिए पूरी मेहनत से काम करता है। असेंट पब्लिक स्कूल की छात्रा वासु श्रवा व आकृति ने 10वीं की परीक्षा में बोर्ड के टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। जोगिंदर नगर के एकमात्र असेंट स्कूल जहां से दोनों ने मेरिट स्थान पाया है और स्कूल का परिणाम भी 100% रहा है। वहीं स्कूल सहित माता पिता का नाम रोशन किया है। स्कूल में जहां अनुभवी स्टाफ है वहीं पढ़ाई का भी पूरा माहौल है। A School of Excellence. Registrations open for classes nursery to 12th science stream. For more information, contact 9818457284, 9857600039, 9817347934.